हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों ने सैम्पल वीडियो में देखा, उस तरह की वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए लाए हैं हम। तो वीडियो बनाने के लिए आगे हम अपने लाइट मोशन में वीडियो बनाने के लिए प्लस पर टैप करेंगे, 4:5 रेशियो सेलेक्ट करेंगे, 720p 30 फ्रेम रेट ब्लैक स्क्रीन के साथ क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप करेंगे। आगे हम अपने लाइट मोशन के अंदर, तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक पिक। तो पिक मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड की थी, प्लस पर टैप करेंगे और इमेज एंड वीडियो पर टैप करके मैं अपनी पिक को ऐड कर लेती हूँ। तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो कौन सी पिक है। तो ये पिक है, इस पर हमने बनानी है वीडियो। तो हम इसको प्लस पर टैप करके ऐड कर लेते हैं और यहाँ से 3 डॉट पर टैप करेंगे, फिल स्क्रीन कर लेंगे इसको इस तरह से। ये हमारी पिक आ गई है। तो अब हमने सॉन्ग ऐड करना है, तो प्लस पर टैप करेंगे और ऑडियो में हमारा सॉन्ग है। आप लोग इमेज एंड वीडियो पर टैप करके स्टेटस में से भी सॉन्ग ले सकते हैं, लेकिन मुझे ऑडियो में से सॉन्ग चाहिए। तो मैं ऑडियो पर टैप करके व्यू ऑल पर टैप करके यहाँ से सॉन्ग ले लेती हूँ, क्योंकि हमें जस्ट बैकग्राउंड के लिए चाहिए। हम लोगों ने इसको लिरिक्स इसका नहीं लिखना, हमने सिर्फ़ आपको बताना है, मतलब एनिमेशन बतानी है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमें कौन सा ऐड करना है। हम इसको ऐड कर लेते हैं इस तरह से, और ये काफ़ी लंबा है तो हम इसको इतना ही कट करके आप लोगों को सिर्फ एनिमेशन देना बता देते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो तो आप लोग भी नहीं देखते, ये तो आप लोगों को अच्छे से पता ही है। तो टेक्स्ट पर टेक्स्ट के लिए प्लस पर टैप करेंगे और टेक्स्ट पर टैप कर लेंगे, और यहाँ हम लिख लेते हैं जॉन लिख लेते हैं, और यहाँ से फॉन्ट हम इसका सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉन्ट स्केटर्स था तो हम इसको देख लेते हैं कहाँ है स्केटर्स। ये है स्केटर्स वाला फॉन्ट, और इसका जो साइज़ है वो हम यहाँ से कर लेते हैं तकरीबन इंक्रीज करके, इस बॉक्स को हम बॉक्स कह रही हूँ, इस डॉट को हम यहाँ रखते हैं, और इसका जो साइज़ है वो हम 50 के करीब रखते हैं या 48 रख लेते हैं, और इसका कलर हम यहाँ से कर देते हैं ब्लैक, क्योंकि वाइट के ऊपर हमने रखना है। तो ये यहाँ इस जगह इस डॉट को हम इसके करीब कर लेंगे ऐसे, और यहाँ इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, ओके करेंगे, और हमारी जो टेक्स्ट है वो एंड तक आ गई है ऑटोमेटिकली। तो थोड़ी सी रह गई, हम इसको इधर कर लेते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमने टेक्स्ट को ऐड कर लिया। टेक्स्ट को ऐड करने के बाद इमोजी ऐड करना है, प्लस पर टैप करेंगे, टेक्स्ट पर टैप करेंगे और यहाँ से इमोजी हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला, और यहाँ से फॉन्ट के लिए हम आईफोन इमोजी फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसका साइज़ भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं यहाँ से, इस मतलब इसका कलर चेंज करने के लिए यहाँ इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे इस बॉक्स पर टैप करके इस तरह से, ओके करेंगे, और इसको भी इसके इस तरह से नज़दीक कर देंगे, और इसको इमोजी को हम इसके आगे रख देंगे जहाँ ये सही से एडजस्ट हो जाए। तो इसका साइज़ हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा छोटा लग रहा है, ओके करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे और इसको हम एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से, यहाँ ये सही लग रहा है। तो इसको भी हम एंड तक कर लेते हैं जहाँ तक हमारी सॉन्ग और बाकी टेक्स्ट वगैरह हैं। इस तरह से हमने इनको ऐड कर लिया। अब हमने टेक्स्ट और इमोजी दोनों का बना लेना है ग्रुप इस तरह से, ओके करेंगे, और इस ग्रुप को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और सेंटर में रख लेंगे यहाँ इस तरह से, हमने इसको एडजस्ट कर लिया। ग्रुप को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, इसको इफेक्ट देना, इफेक्ट्स पर टैप करेंगे, ऐड इफेक्ट पर टैप करेंगे, और यहाँ से हम आ जाएंगे ब्लर में। ब्लर में आने के बाद हम यहाँ से जूम ब्लर सेलेक्ट कर लेंगे, स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेंगे, और यहाँ से हम आ जाएंगे सबसे पहले स्ट्रेंथ में, स्ट्रेंथ की फर्स्ट की लगाएंगे हम और इसको कर लेंगे 1,
वन कर लेंगे, और उसके बाद सेकंड की एंड से थोड़ा सा पहले यहाँ इतना इसको हम प्लस कर लेते हैं और अगेन इसको ज़ीरो कर लेते हैं जितना ये स्टार्ट से था, ताकि हमारी जो इमोजी और टेक्स्ट है वो एंड पर सही से नज़र आ सके। इस तरह से अब हमने सेंटर में आ जाना है और इसके स्टार्ट में आ जाएंगे। फर्स्ट की हम लगाएंगे एक्स की ही और इसको हम कर लेंगे प्लस में 250 इस तरफ है, ज़्यादा नहीं करना, जितना हम बता रहे हैं उतना ही रखिएगा। और सेकंड की सेम यहीं पर जहां हमने पहले की लगाई थी, और इसको हम कर लेते हैं माइनस में 500 माइनस में 500 ग्रुप का इफ़ेक्ट इस तरह से हो गया कंप्लीट। माइनस 500 हमने लास्ट की लगा ली इसकी। अब हम इसको यहाँ से बैक कर लेंगे और अपने वीडियो में आ जाएंगे। इस तरह से जो हमारी पिक है वो बहुत ही सिंपल लग रही है, हम इसको भी कोई एनिमेशन दे देते हैं या कोई इफ़ेक्ट। तो पिक को सिलेक्ट करते हैं, इफ़ेक्ट्स पर टैप करते हैं, ऐड इफेक्ट पर टैप करते हैं और आ जाते हैं हम नीचे प्रोसीजरल में, और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं ये सिंपल स्टार फील्ड, और इसको हम स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेते हैं। इसको हमने स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लिया। फर्स्ट की इसकी लगाते हैं यहाँ, इसको कर लेते हैं ज़ीरो, और एंड पर इसके एक की लगाते हैं और इसके हमने माइनस कह रही हूँ, एक्स की लगा ली हमने, वाई की लगानी थी। वाई को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ये देखें इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, प्लस करेंगे, एक की लगाएंगे और एंड पर आकर दूसरी की लगाएंगे, और इसको हम 1000 कर लेंगे। तो इसमें देखें इस तरह से लग रहा है जैसे ऊपर से बारिश के कतरों की तरह गिर रहे हैं ये वाइट वाइट पार्टिकल्स। तो हम इनको 1000 कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट लगेगा इस तरह से। और इसमें हमने इफ़ेक्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, बैक आ जाते हैं और इस तरह से ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर एक इफ़ेक्ट और दे देते हैं ग्रुप को, ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं, इफ़ेक्ट्स पर टैप करते हैं और ऐड इफेक्ट में आ जाते हैं, और यहाँ से ब्लर को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से गशियन ब्लर को सिलेक्ट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेते हैं इस तरह से, और इसको हम गशियन ब्लर को 3 डॉट पर टैप करके एडिट कर लेते हैं इस तरह से, इसको हम कर लेते हैं 0.60। स्टार्ट में इसके हम एक की लगाते हैं यहाँ, और इसको हम कर लेते हैं इधर 0, और सेकंड की हम यहाँ लगाएंगे और इसको हम कर लेंगे इतना बस, और बैक आ जाएंगे इस तरह से, सही हो गया। और अब हम एक और इसको इफ़ेक्ट देंगे, इफ़ेक्ट्स पर टैप करेंगे, ऐड इफेक्ट पर टैप करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे हम नीचे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में, और ऑटो शेक को सिलेक्ट कर लेंगे, ऑटो शेक को हमने सिलेक्ट कर लिया, और इसको हम प्लस करेंगे ट्रांजिशन इन पर, और यहाँ 3 डॉट पर टैप करते हैं तो इसकी जितनी भी कीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लग चुकी हैं। तो हम इनके सेंटर में बस ट्रांजिशन दे देते हैं, यहाँ सेलेक्ट करते हैं और इसको ऊपर, और इसको भी ऊपर, यहाँ इसको हम थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं इसके साथ इस तरह से, और बस ये हमारी हमने इसको ट्रांजिशन दे दी। बैक आ जाते हैं इस तरह से। अब आपको प्ले करके हम दिखाते हैं कि हमारी वीडियो किस तरह से बनी है। कोई आप लोग अपने चैनल वगैरह का या आईडी का लोगो डालना चाहें तो वो भी आसानी से प्लस पर टैप करके मैजेंट वीडियो में जाकर आप लोग आसानी से ऐड कर सकते हैं। और अब हम आपको प्ले करके दिखा देते हैं कि हमारी वीडियो किस तरह से बनी है। तो कुछ इस तरह से बनी है हमारी ये वीडियो। अगर हम चाहें तो इसका ये जो ब्लर वाला हमने इफ़ेक्ट दिया है गशियन ब्लर का, इसको हम डिलीट कर दें या फिर
एडिट कर लें थोड़ा सा और, तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसको हम डिलीट ही कर देते हैं। इस तरह से हम इसको डिलीट कर लेते हैं और अब प्ले करते हैं, ये देखें इस तरह से, ऐसे ये बन गया है हमारा ट्यूटोरियल हमारा कंप्लीट। अगर हम चाहें तो पिक को एक और इफेक्ट दे देते हैं, पिक को सिलेक्ट करते हैं, इफेक्ट्स पर टैप करते हैं, ऐड इफेक्ट पर टैप करते हैं और यहाँ से हम आ जाते हैं डिस्टॉर्शन एंड वार्प में, और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं वेव वार्प को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से हम इसको वेव वार्प को हम फ्लाई राइट पर टैप कर लेते हैं, थ्री डॉट पर टैप करेंगे और इसकी जो जितनी भी कीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली लग चुकी हैं पिक्चर में। तो हम ज़रा प्ले करके चेक करते हैं हमारा इफ़ेक्ट किस तरह से काम कर रहा है। इस तरह से ये हमारा वर्क कर रहा है इफ़ेक्ट। तो अगर आप लोगों को मुनासिब लगे, अच्छा लगे, तो आप लोग इस इफ़ेक्ट को ऐड करें, अदरवाइज़ आप लोग यहाँ दोबारा पिक को टैप करके इफ़ेक्ट्स में जाकर इस वाले इफ़ेक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं इस तरह से। तो मैंने जस्ट आपको आइडिया देना था कि अगर आप लोग ये इफ़ेक्ट भी ऐड करना चाहें तो भी हमारी वीडियो में अच्छी लुक आ जाती है। तो आज का हमारा ट्यूटोरियल इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।